आज प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति देश के अंदर सबसे अच्छी है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां तीसरे दिन दंगे होते थे। पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के संरक्षण में रह करके अराजकता पैदा करते थे, व्यापारियों और उद्योगपतियों का अपहरण करते थे, लूट खसोट का मंजर मचाते थे, अराजकता चरम पर होती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अपराधी माफिया प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं या प्रदेश की जेलों के अंदर हैं। जेल के अंदर भी अब आराम का नहीं उनके लिए है, जेल अपराधी के लिए जेल सरीके ही रहेंगे। और जेल के रूप में आज जब उसको जेल के अंदर जाना पड़ रहा है तो आज उसको एहसास हो रहा है कि उसके कृत्यों का फल उसे प्राप्त हो रहा है। ये प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक नया वातावरण दिया गया, व्यवसाय की सुगमता के लिए उस प्रकार के अवसर उपलब्ध करवाए गए। उसका परिणाम है कि आज देश के अंदर जब रैंकिंग जारी होती है तो उत्तर प्रदेश एक सम्मानजनक स्थिति में आता है। 14 नंबर से आज घटकर के वह दूसरे नंबर पर आ चुका है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब नई रेटिंग जारी होगी उत्तर प्रदेश इसमें भी देश के अंदर नंबर एक पर होगा। विकास की योजनाएं अनुमान करिए कौन से ऐसा सेक्टर था। आज तो यहां पे मेडिकल कॉलेज भी गोरखपुर में बिहारी मेडिकल कॉलेज में आपने देखा होगा पूरा कोरोना का उपचार का सबसे अच्छा केंद्र वहां पे था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मैं देख रहा था गोरखपुर का कोई भी परिवार फोन करता था फलाना व्यक्ति बीमार हो गया है, मेरे परिवार का फलाना व्यक्ति बीमार है, बेड्स की कोई व्यवस्था होती थी मैं जिला प्रशासन को फोन करता था कि भाई देखिए फलानी जगह से फोन आया आप तत्काल देखिए उसको। प्रशासन तत्काल 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाता था। एक सप्ताह के अंदर मैं डर के मारे फोन करता था पता नहीं क्या स्थिति होगी, वहां से आवाज आती मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूं एकदम ठीक हो गया हूं। एक खुशी होती थी कि कितना अच्छा कार्य कोरोना के दौरान प्रशासन यहां पे कर रहा था। एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने का काम, बिहारी मेडिकल कॉलेज जो एक बार बंदी की कगार पर जा रहा था उजाड़ हो चुका था, आज नई सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ 500 बेड का वहां पे कोविड हॉस्पिटल बनकर के खड़ा हुआ था, आज भी काम कर रहा है। इंसेफ्लाइटिस के उपचार का देश के अंदर सबसे अच्छा सेंटर बना है और बिहारी मेडिकल कॉलेज के साथ ही अब तो गोरखपुर में एम्स भी बनकर के लगभग तैयार है। इसी वर्ष अक्टूबर तक हम लोग इसका भी लोकार्पण का कार्य संपन्न करवाएंगे, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न करवाएंगे। आज देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसी नगर में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, सिद्धार्थ नगर में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, बस्ती में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। यानी कहां था आजादी के बाद गोरखपुर में एकमात्र मेडिकल कॉलेज और 2017 के बाद गोरखपुर में एम्स भी है, बिहारी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनकर के भी तैयार हो गया, कार्य प्रारंभ हो चुका है। चार चार नए मेडिकल कॉलेज यहां पर और खुल रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। पहले सड़कें दिखती नहीं थी, गड्ढों में तब्दील थी, आज आवागमन आसान हुआ है। अब पहले लखनऊ को जाने के लिए बस्ती अयोध्या होते हुए हम लोग बाराबंकी होते हुए लखनऊ पहुंचते थे, अब तो लखनऊ के लिए हम एक नया मार्ग भी दे रहे हैं। गोरखपुर से ही आप निकलेंगे नौसड़ के बाद आप जाएंगे जैतपुर के पास से, आप वहां से निकल जाइए सीधे अंबेडकर नगर होते हुए अयोध्या के बगल से होते हुए सीधे लखनऊ, बराबर दूरी में अयोध्या गोरखपुर से लखनऊ की दो रास्ते आपको उपलब्ध हो जाएंगे। वाराणसी की दूरी 6 से 7 घंटे की थी, आप देखना इस वर्ष के अंत तक 2.5 घंटे से 3 घंटे में आप गोरखपुर से वाराणसी पहुंचने का कार्य करेंगे। पहले गोरखपुर के अंदर जाम कहां से होता था, लखनऊ से किसी को नेपाल जाना होता है तो वह गोरखपुर शहर से होते हुए जाते थे, आज कालेसर से जंगल कोड़िया के लिए सीधे एक नया बाईपास बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले 2014 के पहले दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर कोरोना महामारी आती होती क्या स्थिति होती, कल्पना थोड़ा करिए।
देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ी गई। न केवल टेस्टिंग क्षमता बढ़ाई गई बल्कि पीपी किट से लेकर के N95 मास्क से लेकर के सैनिटाइजर से लेकर के हर एक लॉजिस्टिक की सुविधा को देश के अंदर उपलब्ध करवाने और उसमें आत्मनिर्भर बनाने के बाद देश के अंदर पहली बार वैक्सीन का बनना, दो दो वैक्सीन कोरोना के खिलाफ लोगों की सुरक्षा कवच के लिए उपलब्ध करवाना, यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य हुआ। और आज फ्री में वैक्सीन हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जा रहा है। भाइयों बहनों, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना की इस लड़ाई को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना, लेकिन साथ साथ विकास का पहिया भी थमने नहीं देना, लगातार वही प्रयास हो रहा है, हर एक स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। नहीं तो जो छवि गोरखपुर की थी वही उत्तर प्रदेश की भी थी। उत्तर प्रदेश के नाम पर लोग हंसते थे बाहर, आज उत्तर प्रदेश एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभर करके सामने आया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक नई दिशा में बढ़ रही है। 2016 तक छठी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश था, यानी देश के अंदर पांच राज्य ऐसे थे जिनकी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश से अच्छी थी, और चार वर्ष के अंदर ही उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। यानी अब केवल एक राज्य बचा है जिसकी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश से सुदृढ़ है, मजबूत है, बाकी सबको पीछे उत्तर प्रदेश कर चुका है। और हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़े बड़ी परियोजनाओं को सामने रख करके कार्य योजना अपनी तैयार की है, अगले पांच वर्ष में उत्तर प्रदेश देश की पहली नंबर एक की अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।